Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 4th August के current affairs क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे telegram channel का link, आज की class का PDF का link और हमारे current affairs app का link सभी नीचे description box में है, वहां से आप उसे checkout कर सकते हैं। Also, अगर आपने हमारा weekly revision current affairs class miss किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 4 हमने पढ़ाया था संडे को, तो अगर आपने उसे मिस किया है तो ऊपर आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नाम का अभियान शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह ने ये अभियान शुरू किया है जिसका नाम है एक मास्क अनेक जिंदगी 1 अगस्त से, और ये चलेगा अप टू 15th of August। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह ने 1 अगस्त को, यानी कि पहले तारीख को ऑफ अगस्त, लॉन्च किया है ये अभियान जिसका नाम है एक मास्क अनेक जिंदगी। इस अभियान को लॉन्च करने का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को मास्क की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए, उन्हें जागरूक कराया जाए, बिकॉज हम सबके आसपास कोई ना कोई कोरोना पेशेंट है, लेकिन छोटी चीज़ें जैसे कि मास्क एंड ग्लव्स काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद कर सकती है अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो इसीलिए वो कंटिन्यूसली इस अभियान के माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो मास्क और ग्लव्स के बिना नहीं निकले। और इस कैंपेन यानी कि एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन के तहत मास्क बैंक्स बनाए जाएंगे जिसमें जो मास्क डोनर्स हैं उनसे मास्क लेके यहाँ पर रखे जाएंगे और गरीब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से लेटेस्ट कैंपेन्स लॉन्च की है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च किया है स्पंदन कैंपेन, ये हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए लॉन्च किया गया था बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ में कुछ सालों में कई सारे केसेस आ रहे थे कि कई सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर अपने कॉलीग पर फायरिंग कर देते हैं, तो इसके लिए वहाँ की सरकार ने इस सीरियस सिचुएशन से डील करने के लिए ये कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत जो हमारे जवान हैं, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्हें टाइम टू टाइम योगा थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी वगैरह दी जाएगी और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाएगा कि वो अपने सीनियर से अपने कुछ इश्यूज है काम रिलेटेड या फिर पर्सनल लाइफ में वो उनसे शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें इससे रिलेटेड समाधान मिले। इसके अलावा वहाँ की सरकार जो पुलिस स्टेशंस वगैरह हैं उनका मुआयना करेगी टाइम टू टाइम ताकि पता चलता रहे कि कोई भी पुलिस पर्सनल को कोई इश्यूज वगैरह है या नहीं है, उन्हें अपने मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के कैंपेन चरण पादुका के बारे में। मध्य प्रदेश की सरकार ने जब भारत में लॉकडाउन चल रहा था तभी कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम है चरण पादुका, जिसके तहत जो भी हमारे प्रवासी मजदूर जो चल कर घर जा रहे थे कोई भी यातायात ना होने के कारण, उसे मध्य प्रदेश की सरकार चप्पल और जूते प्रोवाइड कर रही थी ताकि उन्हें कम तकलीफ हो चलने में और सही सलामत वो अपने घर पहुंच जाएं। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की कैंपेन प्योर फॉर श्योर के बारे में। हाल ही में राजस्थान की सरकार ने ये कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर, जिसके तहत जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स है उसकी टेस्टिंग करवा रही थी राजस्थान सरकार। ये कैंपेन लगभग एक हफ्ते चला था और उसमें जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो वहाँ की फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज में टेस्ट करवाए गए थे। तो चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के दूसरे कैंपेन जिसका नाम है रोको टोको कैंपेन। हाल ही में लोगों को जागरूक कराने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने ये अभियान शुरू किया था जिसका नाम है रोको टोको कैंपेन। इस कैंपेन के माध्यम से जो लोग पब्लिक प्लेसेस में मास्क नहीं पहन रहे थे उन्हें रोका जाता था और टोका जाता था और 20 रुपीज़ उनसे लिया जाता था और उन्हें एक मास्क प्रोवाइड किया जाता था ताकि पब्लिक प्लेसेस में वो मास्क पहने। इसके अलावा हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 और नए कैंपेन्स लॉन्च किए थे जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन। ये कैंपेन शुरू किया गया था बिकॉज जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में मार्च से ही लॉकडाउन है, तो बच्चों की शिक्षा में कोई भी रुकावट नहीं है,
इसके लिए ये एक ऑनलाइन स्टडिंग कैंपेन था जिसके तहत बच्चों को उनके घर में ही पढ़ाया जाएगा। जैसे कि स्कूल्स में वो पढ़ते हैं, वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा उनके घर पे ही। और इसके अलावा कुछ योगा सेशंस या फिर फन एक्टिविटीज़ भी कराई जाएंगी ताकि बच्चों को लगे कि वो स्कूल में है। और ये जो इंतज़ार आपका कैंपेन था, ये मध्य प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर का था जिसके तहत वो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश विजिट करें। और इसके लिए उसके मध्य प्रदेश की सरकार ने कई सारे नए इनोवेटिव तरीके निकाले थे, बहुत सारे फ्रेंडली पैकेजेस थे लोगों के लिए ताकि वो मध्य प्रदेश विजिट करें। चलिए ये क्विक रिविजन कर लिया है हमने, ये 6 अलग अलग लेटेस्ट कैंपेन्स जो अलग अलग सरकारों ने लॉन्च किया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, बिहार के महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरेजवे को इनमें से किसने इनॉग्रेट किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई नितिन गडकरी। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है महात्मा गांधी सेतु के ऊपर अपस्ट्रीम कैरेजवे जो कि गंगा नदी के ऊपर है इन बिहार। ये जो अपस्ट्रीम है ये लॉन्च किया गया था या फिर इसे इसका उद्घाटन हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो चलिए अब इस अपस्ट्रीम की टेक्निकल डिटेल्स जान लेते हैं। ये जो अपस्ट्रीम कैरेजवे है इसकी लंबाई है 5.5 किलोमीटर और ये 4-लेन ब्रिज है जो कि NH-19 पर है बिटवीन पटना एंड हाजीपुर। तो इसकी लोकेशन होगी बिटवीन पटना एंड हाजीपुर। ये बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस मंत्रालय को IT एनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स के माध्यम से आदिवासियों का एम्पावरमेंट करने के लिए 66th स्क्वॉश गोल्ड अवार्ड दिया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को 66th स्क्वॉश गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं हमारे ट्राइबल मिनिस्टर कौन है। हमारे केंद्रीय ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर है श्री अर्जुन मुंडा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम स्क्वॉच अवार्ड्स के बारे में। ये जो स्क्वॉच फाउंडेशन है ये हर साल 14 अवार्ड्स देती है, यानी कि टोटल 14 अवार्ड्स ये हर साल देती है और ये 2003 से ये अवार्ड्स दे रही है। इसमें एक अवार्ड होता है प्लैटिनम का, 3 अवार्ड होते हैं गोल्डन और 10 अवार्ड होते हैं सिल्वर। तो स्क्वॉच फाउंडेशन ने जो 66 गोल्ड अवार्ड दिया है वो दिया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम आगे स्लाइड में जानेंगे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ लिया है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला है स्क्वॉच गोल्ड अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स थ्रू IT एनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या किया था हमारे ट्राइबल अफेयर्स के मंत्रालय ने जिनके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो 5 स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स थे ट्राइबल्स के लिए उन्हें उन्होंने लिंक कर दिया विद DBT। DBT मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, और इससे 20 लाख स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ इन 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसे लिंक करने के बाद हमारी जो सरकार है उन्होंने 2500 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं 20 लाख बच्चों यानी कि छात्रों के अकाउंट में इन 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसीलिए ये उन्हें अवार्ड दिया गया है। तो चलिए अब जानते हैं ये 66 स्क्वॉच 2020 ये जो अवार्ड है इसका थीम क्या था। इसका थीम यही था कि भारत कैसे रिस्पॉन्ड करता है कोविड जैसे सिचुएशन में थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। तो उनका ये थीम था और ये जो उनका प्रोजेक्ट था इसका मकसद यही था कि हमारा जो डिजिटल इंडिया का टारगेट है उसे हम कैसे पूरा कर सकें आसानी से, यानी कि जो हमारी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है वो कैसे इजी हो जाए, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो जाए। तो ट्रांसपेरेंसी हमने अचीव किया है बाय कनेक्टिंग इट विद डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, और इसके तहत 2500 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं 20 लाख छात्रों के अकाउंट में। इसका जो एम या पर्पस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो हमारा ग्रेटर विजन है डिजिटल इंडिया का वो हम अचीव करें और हमारा ई गवर्नेंस का गोल है उसे हम कैसे पूरा करें।
चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से कौन सी कंपनी 13,805 करोड़ रुपए निवेश करेगी और एक नया प्लांट सेटअप करेगी उड़ीसा के पारादीप में, जिसके तहत वो कच्चे माल का प्रोडक्शन करेगी कपड़े क्षेत्र के लिए। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक नया प्लांट सेटअप करेगी उड़ीसा के पारादीप में, जिसके तहत वो रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चर करेगी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो 13,805 करोड़ निवेश करेगी और ओडिशा के पारादीप में एक नया प्लांट सेटअप करेगी, जिसके तहत वो रॉ मटेरियल्स बनवाएंगी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। ये 3 वर्ष लगभग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगेंगे। इनका 3 ईयर प्लांट का कंस्ट्रक्शन पीरियड है और ये खत्म हो जाएगा बाय द ईयर 2024। और बाय द टाइम ये जो प्लांट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो जनरेट करेगा 5 मिलियन मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कंस्ट्रक्शन में ही इतने लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। और ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो बनाया जा रहा है ये पीएक्स प्रोडक्शन कैपेसिटी रखेगा 8 लाख टन की पर एनम, जो यूज होंगे इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीटीए। पीटीए एक टाइप का एसिड है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा ये पेट्रो पीएक्स प्रोडक्शन। और ये जो कैपेसिटी होगी पीटीए प्रोडक्शन की वो होगी 12 लाख टन पर एनम। तो इसकी ये टेक्निकल डिटेल्स है कि कितना प्रोडक्शन होगा इससे। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि पीएक्स प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 8 लाख टन की पर एनम और जो पीटीए प्रोडक्शन होगा उसकी कैपेसिटी होगी 12 लाख टन पर एनम। तो चलिए अब ओडिशा के बारे में बात कर लेते हैं। ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर, ओडिशा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा सवाल, एचपी के ग्रेटर इंडिया रीजन के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए केतन पटेल। केतन पटेल को चुना गया है, तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एचपी एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर है और उन्होंने चुना है केतन पटेल को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में ऑफ द ग्रेटर इंडिया रीजन, यानी कि 3 रीजन्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे जो कि है इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। और केतन पटेल रिप्लेस करेंगे विनय अवस्थी को, जिन्हें एक नए रोल में शिफ्ट किया गया है एज द हेड ऑफ प्रिंट ऑपरेशंस फॉर सप्लाई चेन। तो चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किस स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट बॉब बेनकिन एंड डॉग हार्ले हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिटर्न हुए हैं आफ्टर सक्सेसफुल डेमोटूम मिशन? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी नासा। नासा के जो 2 एस्ट्रोनॉट है बॉब बेनकिन और डोग हार्ले हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सही सलामत लौटे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग डेमो टू मिशन। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि यूएस के 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं वो लौटे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2 अगस्त 2020 को और उनके नाम है बॉब बेनकिन एंड डॉग हार्ले। और ये जो उनका क्रू ड्रैगन है ये डिजाइन किया गया था और ऑपरेट किया गया था बाय अ प्राइवेट ऑपरेटर जिसका नाम है स्पेसएक्स। और ये जो क्रू है ये यूज हो रहा है सॉरी और ये जो क्रू ड्रैगन है ये यूज हो रहा था इस फ्लाइट टेस्ट के लिए और ये जो हमारे ऑर्बिट है उसमें 110 दिनों तक रह सकता है। इसके अलावा हाल ही में स्पेसएक्स न्यूज में था बिकॉज उन्होंने साउथ कोरिया का जो पहला मिलिट्री सैटेलाइट है एनएसएस 2 उसे भी लॉन्च किया था। चलिए अब कमिंग बैक टू दिस, ये नासा का स्पेसएक्स डेमो 2 टेस्ट फ्लाइट है, ये पहला क्रूड फ्लाइट है जो कि यूएस से लॉन्च हुआ है 2011 के बाद। और ये जो नासा का मिशन है डेमो 2 मिशन ये नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत इसे लॉन्च किया गया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि नासा का ये कमर्शियल क्रू प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या।
नासा का ये जो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है, इसके तहत नासा ने कई सारे अमेरिकन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ काम किया है, और उनका मकसद यही है कि ये जो यूएस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिस्टम्स है नासा के 2010 से, उसे फैसिलिटेट किया जाए, उसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां सवाल, इनमें से कौन से किसने जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, लुइस हैमिल्टन ने जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि लुइस हैमिल्टन ने ड्रामेटिक ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जो कि हो रहा था एट सिल्वरस्टोन, बिकॉज उनका टायर फाइनल लैप में बर्स्ट कर गया था। उसके बाद भी उन्होंने इसे कंप्लीट किया है और उन्होंने हराया है मैक्स वेरस्टैपेन को, और दोनों मर्सिडीज कार्स की तरफ से खेल रहे थे और दोनों के पंक्चर्स भी हुए थे। तो पहले नंबर पर है लुइस हैमिल्टन और दूसरे नंबर पर है मैक्स वेरस्टैपेन, दोनों के पास मर्सिडीज कार्स भी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 2020 के F1 रेस के विनर्स कौन कौन हैं। तो जो सीरियन ग्रैंड प्रिक्स थे उसके विनर भी थे लुइस हैमिल्टन, जिनके पास मर्सिडीज की कार थी, वो ब्रिटेन की तरफ से थे। दूसरे उसके बाद हुआ था ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, जिसके विनर थे वाल्टेरी बोटस, और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर भी थे लुइस हैमिल्टन। चलिए बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां सवाल, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है वो हर साल मनाया जाता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी कि 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है लगभग 120 देशों में ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इनक्रेज किया जा सके और उनको बताया जा सकती है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक नए बच्चे के लिए। और इनका इस साल का यानी कि 2020 का थीम है कि सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानट। चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। नौवा सवाल, उस साहित्य अकेडमी अवॉर्डी तमिल राइटर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, सा कंदस्वामी का हाल ही में निधन हुआ है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। जाने माने तमिल राइटर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सा कंदस्वामी का हाल ही में 31 जुलाई को निधन हो गया ड्यू टू अ हार्ट अटैक, और उनकी एज थी 81। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो, या फिर पैरा 13.2 हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप उसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे परचेज कर पाएंगे। Thank you friends, that's all for today and have a great day.